हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होता। हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। खेल कूद की इस उम्र में जिम्मेदारी का बोझ और जिम्मेदारी से आया आत्मविश्वास ही है कि ये छोटा बच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही अपनी समस्या कुछ इस अंदाज में रखा। सर सुनिए ना, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। लंबी दूरी तय कर पहुंचे सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने दिखाई सच बोलने की हिम्मत, शिक्षा और शराबबंदी की पोल खोल दी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बिघा पहुंचे थे। इस दौरान वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बिघा में लोगों की समस्या सुन रहे थे। इसी दौरान अपनी समस्या लेकर 11 साल का सोनू भी पहुंच गया। बच्चे के जन संवाद में पहुंचते ही मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सोनू हरनौत प्रखंड के नीमा कौल गांव का रहने वाला है। पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू ने बताया कि उसके पिताजी जो दही बेचकर पैसा कमाते हैं उससे वो शराब पी जाते हैं। साथ ही कहा कि वो नीमा कौल मध्य विद्यालय में पढ़ता है और वहां के शिक्षक गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी को असफल बताया। बच्चे ने कहा अगर सरकार से उसे मदद मिले तो वो भी पढ़कर आईएएस बनेगा। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहते हैं, रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा। तो सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप सब दिए क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। सोनू की काबिलियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो खुद 6वीं कक्षा में पढ़ता है और 5वीं के 40 बच्चों को ट्यूशन देता है जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकलता है। छोटे से बच्चे के हिम्मत देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए। वाकई पैडल मारकर जिंदगी जीने की सीख कोई इनसे सीखे। देशवा न्यूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट।